आतंकवादियों को, अपराधियों को पनाह दिया है, जिसका मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा। अखिलेश यादव क्या जाने कि पुलिस मुठभेड़ होती क्या है, जहां छोटे स्तर के कर्मचारी अधिकारी लड़ते हैं, जिंदगी और मौत में चंद सेकंड का फासला होता है। मैंने खुद 19 मुठभेड़ें किया है, जिसमें मैंने खुद गोली चलाई है और एडीजी स्तर पर गोली चलाई है मैंने वहां पर चित्रकूट में, वो ये 18 जून 2009। मैं जानता हूं जिंदगी मौत क्या होती है, और ऐसे में उनके द्वारा ये करना, इन्होंने अपमान किया है। इन्होंने हमेशा आतंकवादियों को पना दिया है। कचहरी ब्लास्ट, जिसमें लखनऊ, तत्कालीन फैजाबाद, बनारस में हुजी के आतंकवादियों ने ब्लास्ट किए थे, मैं उस समय स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था, मैंने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनकी सरकार आई और उसमें एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद फैजाबाद कचहरी में गया, लूट लग गई, 12 बंकी आते आते मर गया। और इन महोदय ने मेरे खिलाफ, तब मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, एक डीजीपी विक्रम सिंह के खिलाफ जो रहे रिटायर्ड, और हमारे 42 पुलिसकर्मियों का हत्या का मुकदमा इन्होंने कायम किया था, और ये मुकदमा कायम करके इन्होंने पुलिस को, एसटीएफ को, एसटीएफ को संदेश दे दिया कि कृपा करके आतंकवादियों की तरफ और हमारे पालतू क्रिमिनल की तरफ नजर मत उठाना। इन्होंने वो केस वापस ले लिया, अदालत ने ऐसा थप्पड़ मारा कि उस केस को वापस नहीं होने दिया, और जो तारिक कासमी था उसका साथी खाली तो मर गया, और उसके बाद उसने 3 मामलों में आजन कारावास की सजा दी। एक अभी सीएम नाम आया था, उविन का बड़ा प्रिय था मोहम्मद सुहेब, अभी जो सीएम में गिरफ्तार हुआ था, इसने रिहाई मंच बना करके उसमें कुछ वामपंथियों ने, इन्हीं के इशारे पर कई महीने धरना चलता रहा, ब्रजलाल को गिरफ्तार करो। इन महोदय ने जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मुकदमे में केस वापस लिया था, जिसमें 8 जुलाई 2011 को मैनाठेर मुरादाबाद में पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ था, जिसमें इनके पालतू समाजवादी पार्टी के गुर्गों ने डीआईजी अशोक कुमार को गोली मारी थी।